प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि हमने गत अध्ययन के अंदर बात की थी, टैक्सीमैट्रिक्स जो है वो नवीन टैक्सोनॉमिक पद्धति है, वर्गीकरण की पद्धति है। उसके क्या गुण हैं, क्या फ़ायदे हैं और कैसे वह तथ्यात्मक रूप से हमारी जो क्लासिकल पद्धति है, जो हमारी परंपरावादी वर्गीकी है, उससे किस प्रकार बेहतर है, उस पर चर्चा की थी। और मैंने आपको कहा था कि हम अगले अध्याय में इसके नियमों के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि कोई भी जो सर्वमान्य संस्था होगी, सर्वमान्य नियम होंगे ना, उनके लिए एक नियम होना आवश्यक है, यूनिवर्सलिटी होना आवश्यक है, यूनिफॉर्मिटी होना आवश्यक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें तो सभी का समावेशन है, सारे के सारे नियम, सारे के सारे करेक्टर्स का। जैसे पुरानी में तो हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी की बात करते थे, लेकिन इसमें तो हम मॉर्फोलॉजी और जेनेटिक्स और एनाटमी, पैलेनोलॉजी है ना, क्रोमोसोम्स, बायोकेमिस्ट्री और ना जाने किस किस को हम इसमें सम्मिलित करके सभी के आधार पर एक वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए इसके नियम होना बहुत आवश्यक हैं। तो ये जो टैक्सीमैट्रिक्स के नियम हैं, इनको नियो एडिन्सोनियन रूल्स भी कहते हैं। एडिन्सोनिया पद्धति जो है वो नामकरण की पुरानी नियमों की पद्धति है, जो क्लासिकल पद्धति हुआ करती थी है ना, उसमें जो मॉडिफिकेशंस होते गए तो एडिन्सोनिया हमारा डेवलप होता गया, एडिन्सोनिया पद्धति डेवलप होती गई। और उसको स्नीथन सोकाल ने 1973 में टैक्सीमैट्रिक्स के जो नियम थे वो उसमें समाकलित कर दिए, उसमें जोड़ दिए। तो जो पद्धति बनी एडिन्सोनियन पद्धति, तो बड़ी पद्धति थी, उसमें जो इन्होंने स्निथ सोकाल ने जो टैक्सीमैट्रिक्स के नियम जोड़े, उसके फलस्वरूप क्या हुआ, ये बहुत बड़ी पद्धति बन गई और सटीक सी हो गई। तो इसको, इन एडिन्सोनियन रूल्स को अब जो नाम दिया गया, नियो एडिन्सोनियन रूल। एडिन्सोनिया तो पहले से ही स्टेबल थी, पहले से चल रही थी है ना, उसमें टैक्सीमैट्रिक्स जुड़ने से, नियो नया जुड़ने से नियो एडिन्सोनियन रूल्स बन गए। ठीक है, अब इसके रूल्स क्या हैं, तो पहली विचारधारा जो है इसकी, इसकी व्यापकता, कि जितने ज़्यादा टैक्सोन की जानकारी, वर्गों की जानकारी उपलब्ध होगी, वर्गीकरण का प्रारूप उतना ही अच्छा और सटीक होगा। ठीक है, बात समझ में आई। यानी कि जितनी ज़्यादा वर्गक या टैक्सोन इसमें जुड़े हुए रहेंगे, उतनी ही जो हमारी जानकारी है वो भी सटीक होती जाएगी, वो भी प्रॉपर होती जाएगी। तो ये पहला, यानी कि सबका स्वागत है जी, आप भी लाओ, हर प्रकार के नियम लाओ। ठीक है, प्राकृतिक वर्गक बनाने के लिए प्रत्येक गुण बराबर का महत्वपूर्ण है। नेचुरल टैक्सोन अगर आपको बनाना है तो हर गुण, चाहे आप उसको किसी भी लेवल पे माने, चाहे वो डीएनए की स्टडी हो या मॉर्फोलॉजी हो, दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है ना, किसी का महत्व ज़्यादा और कम नहीं है, समानता है। ठीक है, किसी भी दो इकाइयों की कुल समानता, उसमें उपस्थित प्रत्येक अनेक गुणों की समानता का प्रकारात्मक परिणाम है, जिनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा हो ना, दो यूनिट्स में जो सिमिलरिटी है, ठीक है ना, वो उनके गुणों पर ही आधारित है, फंक्शनल करेक्टर्स के ऊपर ही बेस्ड है जिनका तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है, हाइपोथेटिकल कुछ नहीं है, है ना, जो करेक्टर्स प्रेजेंट हैं, फंक्शनल हैं, उन्हीं के आधार पर उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है और उसका वर्गीकरण किया जा रहा है। अध्ययन करते समय जीवों के समूहों के मध्य गुणों के सहसंबंधों के अंतर से विशिष्ट वर्गक पहचाना जाता है। मैंने आपको जब कलम पढ़ रहे थे तो मैंने कोफिशियंट की बात की थी, है ना, कोरिलेशन जो है, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन की बात की थी कल आपसे मैंने, है ना, कोफिशियंट ऑफ मैचिंग के आधार पर, ठीक है, सहसंबंधों के अंतर को, भाई अंतर होगा तभी तो नया वर्गक बनेगा, समान होंगे तो कैसे बनेगा। तो इसलिए जो उसको पहचानना है, तो पहचानने के लिए कोरिलेशन किया जाता है करेक्टर्स का, और करेक्टर्स के कोरिलेशन के लिए जो कोफिशियंट ऑफ मैचिंग है उसके आधार पर डिस्टिंक्ट किया जाता है, वर्गक को विशिष्ट किया जाता है, पहचाना जाता है, बनाया जाता है। समूह की टैक्सोनॉमिक स्ट्रक्चर तथा गुणों के कोरिलेशन ऑफ करेक्टर्स के जातिवर्तीय निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इनसे विकास की दिशा, प्रक्रिया तथा गुणों का अनुमान लगाया जाता है।
बात समझ में आ गई, जो कोरिलेशन ऑफ एग्जिस्टेंस है ना, सह संबंध जो है उसकी फाइलोजेनी क्या है ना, फाइलोजेनिकल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उद्विकासीय जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको पहचाना जाता है, उनको स्थापित किया जाता है और उनके आधार पर विकास की दिशा तथा प्रक्रिया का अनुमान लगाया जाता है कि अधोगामी है ऊर्ध्वगामी है, कैसा विकास है, क्या है ना, अजम्पशन के आधार पर उसका जो अजम्पशन लगा करके। और बेसिकली ये हम नहीं कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है। हम उसको फिर कंप्यूट करते हैं, हम उसको फिर एनालाइज करते हैं तो और ज़्यादा सटीक होने की संभावना बढ़ जाती है। वर्गीकी को पारंपरिक मान्यताओं के तरह देखा व अभ्यास किया जाता है ना। मैं बार बार आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो इनका जो क्लासिकल रूप है, जो हमारी पारंपरिक टैक्सोनॉमी, हमने उसको छोड़ा नहीं है और उसी रूप में उसको देखा जाता है और उसी रूप में हम उसका प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन हमने अब क्या किया, जो हमारी मॉडर्न नॉलेज है, मॉडर्न डेवलपमेंट है, उसका हमने इसमें इंटीग्रेशन कर लिया, समायोजन कर लिया, समाकलन कर लिया, तो हम ज़्यादा सटीकता की ओर बढ़ रहे हैं। ये इसका एक नियम है। अगला नियम कहता है वर्गीकरण समानताओं व संबंधों पर आधारित है। जो हमारे टैक्सोन हमने बना रखे हैं, जो हमने हमारे करेक्टर्स बना रखे हैं, उनका जो आधार है वो समानता और संबंध, एफिनिटी है ना, सिमिलरिटीज़ एंड एफिनिटीज़ के आधार पर ही प्लेस किया जाता है। तो अब इतने सारे करेक्टर्स में जब समानता और संबंध आप देख के किसी को स्थापित करेंगे तो वो सटीक होगा या नहीं होगा, होगा ना। माइकनर व सोकाल 1957 के अनुसार वर्गीकी गुण वह लक्षण है जो एक जीव से दूसरे जीव में भिन्न पाया जाता है, यह लाक्षणिक गुण कहलाता है। भाई हम लोगों को जो करेक्टर्स डिफरेंट करते हैं है ना, जो हमको आपने पढ़ते ना उद्विकास में, कि जब उद्विकासीय क्रमों के अंदर जब जनन की बाध्यता आ जाती है, यानी कि एक समान जाति दूसरी समान जाति से स्वाभाविक रूप से जनन नहीं कर पाती तो नई जो जाति है उसका उद्भव हो जाता है, नई स्पीशीज़ का उद्भव हो जाता है ना। तो जो अभिलाक्षणिक गुण है ना, वो जेनेटिक्स के रूप में होते हैं लेकिन प्रेजेंट जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजी के रूप में होते हैं। तो जो लाक्षणिक गुण हैं है ना, वही विभेदन के काम आते हैं और जीव को अलग प्रकट करते हैं, अलग स्थापित करते हैं। टैक्सीमेट्रिक्स विश्लेषण के लिए जो गुणों का चयन किया जाता है वह पादप के इकाई गुण होते हैं, यूनिट करेक्टर्स होते हैं उसी पादप के है ना। जैसे हम ह्यूमन बीइंग को होमोसेपियन कहते हैं या और दूसरे मैमल्स से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग का अपना एक यूनिट करेक्टर होता है जो कि उसको बाकी स्पीशीज ऑफ मैमल्स से डिफ्रेंशिएट करता है। वो क्या क्या हैं, पहला गुणों की सूची तैयार करनी चाहिए, क्या क्या गुण है, तो जब सूची तैयार होगी तभी तो आगे पढ़ेंगे। यह सूची उन सभी गुणों की जानकारी दर्शाती है जिनका अध्ययन करना है, जिन गुणों को हम पढ़ना चाहते हैं, जिन गुणों को हम एनालिसिस करना चाहते हैं है ना, उनकी जो लिस्टिंग होगी वो होगी है ना। इसमें कम से कम, अब ये महत्वपूर्ण है, इसमें कम से कम 60 गुण होने चाहिए। कुंडली मिलाते हैं ना छोरा छोरी की शादी के लिए है ना, तो उसमें करते हैं हम 36 में से 24 गुण, कम से कम 20 गुण मिलने चाहिए, नहीं तो ब्याह नहीं होगा। तो कम से कम यहाँ भी 60 गुण होने चाहिए। अच्छे परिणाम के लिए 80 गुणों से अधिक चयन करते हैं। अब 36 गुण होते हैं, किसी के 32 मिल गए, किसी के 34 मिल गए, कहते हैं भगवान राम और सीता के 36 गुण मिल गए थे तो सर्वश्रेष्ठ मिलन हो गया, 30 पे श्रेष्ठ हो गया, 28 पे ओके हो गया, तो इस तरीके से। तो 80 गुण जब होंगे अधिक, तो जो 80 गुण से अधिक चयन किया जाएगा तो वो जो परिणाम होगा वो ज़्यादा सटीक और रिलायबल होगा। कम से कम 60 होने चाहिए है ना, 80 और उससे अधिक बेहतरीन माने जाते हैं। इनमें ऐसे गुण नहीं लेने चाहिए जिनकी अधिक विभिन्नता मिलती हो, ऐसे गुणों को अवॉइड करना चाहिए जिसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा हो है ना, तो कन्फ्यूजन करेगा वो, उसमें भी मिलेगा तो कई सारे टैक्सोन में मिलेगा तो कन्फ्यूजन पैदा करेगा, तो ऐसे गुणों को नहीं लेना चाहिए। जैसे आपने लेंटाना कैमरा देखा ना, बाहर उगा रहता है लेंटाना खुरदुरा, जिसमें मल्टी कलर के कई सारे फूल आते हैं। अब फूलों का उसमें गुण ही निर्धारित नहीं है, कई तरीके के फूल हैं, कई रंगों के फूल हैं, तो ऐसे फूलों को, ऐसे पुष्पों को हम अवॉइड करते हैं। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि रूपांतरित गुण भी छोड़ देने चाहिए,
बात समझ में आई, जो मॉडिफाइड करेक्टर्स हैं, है ना, जो मॉडिफाइड करेक्टर हैं वो स्टेबल तो होते नहीं, क्योंकि होता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस से या अन्य कारणों से मॉडिफाई हो रहे हैं, आज यहाँ ऐसे हैं कल वहाँ वैसे हो सकते हैं, तो वही करेक्टर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो ऐसे में जो रूपांतरित गुण हैं, जो रूपांतरित लक्षण हैं, उनको भी छोड़ देना चाहिए। बात समझ में आई। तो इन सब चीज़ों को मिला करके हमने ये बनाए हमारे टैक्सी मैट्रिक्स के नियम, ठीक है ना। गुणों की सूची होनी चाहिए, गुण वही होने चाहिए जिनका अध्ययन करना चाहिए, कम से कम 60 गुण होने चाहिए, अगर 80 हैं तो बहुत बढ़िया है, या 80 और उससे अधिक हैं तो बहुत बढ़िया है। ऐसे गुण नहीं होना चाहिए जिनमें विविधताएँ मिलती हों, जो डिफ्रेंशिएटिंग हों, जो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करते हों उसी के अंदर, दूसरे से करें वो तो ठीक है ना, उसी पादप में अगर वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे तो हमें फिर अपने वर्गक के बारे में सोचना पड़ जाएगा, है ना। और जो मॉडिफाइड करेक्टर्स हैं, जो रूपांतरित गुण हैं, उनको भी छोड़ देना चाहिए। तो ये हमारे टैक्सी मैट्रिक्स के नियम हुए, जिसके आधार पर हम आजकल नियो एडेंसोनियन रूल्स जिनको हम कहते हैं, उनके द्वारा हम वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण सटीक होता है, तथ्यात्मक होता है, और इसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशन, बहुत सारा डाटा प्रिपरेशन एक साथ तैयार हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि इसमें सिमिलरिटीज़ एंड एफिनिटी भी साथ साथ प्रोड्यूस हो जाती है, पता लग जाती है, ठीक है। अब आगे ये टैक्सीमेट्री समाते हैं, हम इस विषय को जारी रखते हुए आगे वर्गीकरण के प्रकारों की चर्चा करेंगे, और कौन कौन से वर्गीकरण और क्यों हम फॉलो करते हैं इसकी बात करेंगे। धन्यवाद।